हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। प्रेगनेंसी टाइम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने की सलाह हमें दी जाती है, पर हम हमेशा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सच में हमें ये चीज़ें खानी चाहिए, क्या ये हमारे लिए सेफ़ होंगी, हमारे बच्चे के लिए सेफ़ होंगी। ऐसी ही कुछ चीज़ों में से एक होता है प्रेगनेंसी टाइम में घी का खाना। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्या प्रेगनेंसी टाइम में घी खाना सही है, अगर सही है तो कितना घी खाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, घी में ओमेगा फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फैट होता है, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में हेल्पफुल होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें आप प्रेगनेंसी टाइम पर आपके लिए ज़रूरी होती हैं, तो इसीलिए आप प्रेगनेंसी टाइम पर घी खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में घी खाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें घी काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए, घी में एंटीवायरल गुण होता है जो कि आपके डाइजेशन को जो है मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड भी होता है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, ये बच्चे के ग्रोथ में भी काफ़ी मददगार है। देखिए, प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के ग्रोथ के लिए आपको डेली 300 ज़्यादा कैलोरीज खानी होती हैं, तो घी में जो है अच्छी कैलोरीज होती हैं जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा आपकी बॉडी को एक अच्छा पोषण मिलता है अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में घी खाते हैं। तो देखिए, अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में घी खाते हैं प्रेगनेंसी टाइम पर, तो ये आपके मूड को भी अच्छा लगेगा, आपके जो आपको कोई कोई स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम में उसको दूर करने में मदद करेगा। पर ये ध्यान रखें कि जितना हो सके घर में बनाया हुआ घी ही यूज़ करें, बाज़ार से मिलने वाला घी आपको अवॉइड करना है। तो ये तो बात हुई कि घी खाने के क्या फ़ायदे हैं। अब प्रेगनेंसी टाइम पे घी खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही घी खाएंगे तो इससे आपका और आपके होने वाले बच्चे का वज़न जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ सकता है। और तीसरी तिमाही यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा घी खाएंगे तो इससे आपका वज़न और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले ही ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट लेते हैं और फिर आप घी भी ज़्यादा खाने लग जाएंगे, तो इससे आपको मोटापा या ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी टाइम पे हो सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, सब चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाए, उनका वेट जो है वापस कम हो जाए। पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही घी इस टाइम पर खा लेंगे प्रेगनेंसी टाइम पर, तो बच्चे के जन्म के बाद आपके लिए वज़न कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप घी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से भी एक बार पूछें कि आप कितना घी जो है खा सकते हैं। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी टाइम में एक लेडी दिन भर में जो है 2 से 3 चम्मच घी जो है डेली खा सकती हैं। 3 चम्मच से ज़्यादा ही, मान लीजिए आप 5-6 चम्मच घी खा लेते हैं, तो इससे जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस फॉर्म में घी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप चावल खाते हैं तो आप चावल के ऊपर घी डालकर खा सकते हो, जिससे चावल टेस्टी भी लगेंगे और आपको घी भी अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा आप रोटी या पराठे में घी लगा के खा सकते हो। आप अगर दाल खाते हैं तो दाल के ऊपर 1 चम्मच घी डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप खीर या घर में लड्डू वड्डू बनाकर भी जो है उसमें घी डालकर और वो खा सकते हैं, तो इससे लड्डुओं में टेस्ट भी आएगा, ये हेल्दी भी होगा और आपको घी भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। पर मैं आपको फिर से बोलूँगी कि घी को अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो ही आपके प्रेगनेंसी टाइम के लिए अच्छा है ये। और साथ ही साथ अपना घर में बना हुआ घी ही यूज़ करें, बाहर के पैक्ड घी को आप इस प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।